हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत करता हूँ अपने छोटे से प्यारे चैनल पीटू एडुकेशन में। तो आप सबको तो मेरा नाम पता है, मेरा नाम है प्रिंस पांडे और हमारे प्यारे से चैनल का नाम है पीटू एडुकेशन। तो जो इस चैनल पर नया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो इस चैनल को पहले से देखते आ रहे हैं वो मुझे शायद एक नए ड्रेस में देख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इसे आज ट्राई किया, सोचा मैं भी देखता हूँ कैसा लगता है। आखिर आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2, तो हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 में हम लोग। ओ मास्टर, मैं समझा बोल। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में एक नया क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है ना। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये हमारा एक मैथ्स का क्या बोलते हैं बैच, ये बैच हमारा आगे चलते रहेगा। हम इसमें रेगुलर मैथ्स के आगे पढ़ते जाएंगे और हम अपने एग्जाम से पहले अपना पूरा कंप्लीट मैथ्स का बुक खत्म कर लेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। और मैंने आज सोचा है कि मैं ये जो प्लेलिस्ट चला रहा हूँ इस बैच का नाम दूंगा महाकाल बैच। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि मैं तो अभी छोटा छोटा नया नया चैनल खोला हूँ, अभी स्टूडेंट्स कम है, लेकिन मैं वीडियो यही सोच के बनाता हूँ कि भविष्य में जरूर कुछ आगे होगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे इसमें साथ दीजिए जो भी अभी है, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। ठीक है, और अपने इस महाकाल बैच को बढ़ाइए। ठीक है, तो हम लोग 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3 याद करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया हुआ है सबसे पहले देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कुछ नंबर दिया गया है, उनका एचसीएफ और एलसीएम बाहर निकालने को दिया है। ठीक है, फाइंड आउट द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ऐसे कुछ लिखा है ना। क्या लिखा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके हम इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाले, हमें ये दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है देखिए। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 12, 15 एंड 21। ठीक है, 12, 15 एंड 21, 12, 15 एंड 21, तीन नंबर दिया गया है। ठीक है, शायद यही कहीं बोर्ड पे थोड़ा सा सामने वाला लाइट चमकता है। ठीक है, उसके लिए थोड़ा मुझे माफ कीजिएगा। ठीक है, मैं यही सेम यहां पे भी लिख दे रहा हूं, 12, 15, 21, ये तीन नंबर्स है ना। इन तीन नंबर्स का क्या हमें निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम सबका को प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और उनका प्रोडक्ट दिखाते हैं। ठीक है, वही हमारा प्राइम फैक्टर मेथड होता है। ठीक है, क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। तो 12, 15 एंड 21 इन तीन नंबर्स का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, गर्मी हो रही है और वीडियो हम लोग फैन चला के रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर मैं रात को वीडियो ना शूट करूं, दिन में करना पड़ जाए तो बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, और अभी तो हमारा दिन ही है, तो चलिए हम लोग ये करते हैं आगे। ठीक है, तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 1 में किए हैं। क्या होता है, हम लोग इनका प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है, 12 है ना, तो 12 क्या है, इवन नंबर है, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से, प्राइम नंबर से हमारा ये डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये 2 से, ठीक है, 2 से कितने टाइम्स में जाएगा, 6 टाइम्स में, फिर 6 भी जाएगा 2 से, 3 टाइम में। 3 क्या है, हमारा एक प्राइम नंबर है, मतलब ये खुद से कैंसिल होगा। ठीक है, तो क्या आया हमारा 12 का, 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 3, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर। ठीक है, किसका, 12 का। इसके बाद निकालेंगे 15 का, 15 क्या होगा, इसको मिटा दे रहा हूं, 15 देखिए 15 का क्या होगा, तो 15 हमारा 3 से जाएगा 5 टाइम्स में, तो 3 इंटू 5 जस्ट हो गया, 5 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, क्या होगा, 5 से ही कैंसिल हो, तो 5 1, 3 इंटू 5 बहुत ही इजी है, इसमें कुछ मिला ही नहीं हमें। इसके बाद क्या है, 21, 21 को करते हैं, इसे मिटा देता हूं, 21। उम्मीद करता हूं आपको ये प्राइम फैक्टर्स का जो ये है मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये समझ आ गया। ठीक है, अब आ गया है 21। 21 क्या है, एक ओड नंबर है, तो ये क्या होगा, ये हमारा 2 से नहीं कटेगा, उससे बड़ा कैसे कटेगा, ओड नंबर से ही कटेगा, इवन नंबर से नहीं कटेगा, तो ये क्या है, 21, यानी कि 3 से जाएगा, कितने टाइम्स में, 7 टाइम्स में, 7 क्या है, प्राइम नंबर है, कैसे जाएगा, 7 से, तो 3 इंटू 7 हमारा क्या आ गया,
21 = 3 × 7। अब हम ये तीनों का प्राइम प्रोडक्ट निकाल लिए, ठीक है, प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट निकाल लिए, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यहां पे हो गया। अब इनका यूज करके हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो हमें सब नंबर्स का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके उनको प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना पड़ता है, ठीक है, लिख लिए। अब यहां पे हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम जो होता है ना वो इन तीनों नंबर्स का सबसे जिसका हाई डिग्री होगा, जिसका पावर हाई होगा, वो नंबर लोग ले लेते हैं, ठीक है। इसमें टू है, इसमें टू नहीं है, इसमें टू नहीं है, ठीक है। तो टू को हम लेंगे लेकिन हाईएस्ट पावर वाला टू, ठीक है। तो टू स्क्वायर, टू स्क्वायर, ठीक है। अगर इसमें टू क्यूब होता ना तो यहां पे हम टू क्यूब लेते, टू स्क्वायर इग्नोर कर देते, ठीक है, टू क्यूब लेते। तो ऐसे होता है, ठीक है, सबसे हाई पावर वाला नंबर जो होता है वो यहां लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं कि सब में तीन है या तीन नहीं भी होता तभी भी हमें तीन लिखना पड़ जाता है, ठीक है। इसमें हम कॉमन नहीं मिलाते, बस हाई पावर वाला नंबर लिख देते हैं, ठीक है, जिसका डिग्री जिसका पावर ज्यादा होता है, ठीक है। तो टू स्क्वायर हो गया, इसके बाद थ्री हमारा यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन, तो सिर्फ सिंगल थ्री। उसके बाद क्या है, फाइव, फाइव। उसके बाद क्या है, सेवन, हो गया। अब इसको हम लोग इंटू करेंगे, तो ये टू का स्क्वायर फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व फाइव जा कितना हो सिक्सटी, सिक्सटी सेवन जा फोर ट्वेंटी, सिक्स सेवन जा फोर्टी टू और जीरो हो जाएगा 420, हमारा आ गया एलसीएम। आंसर सही है, सही होगा। एचसीएफ, एचसीएफ क्या करते हैं, एचसीएफ हम लोग तीनों में कॉमन मिलाते हैं, ठीक है, क्या मिलाते हैं, कॉमन मिलाते हैं कि तीनों में कौन सा नंबर कॉमन है। तो इसमें टू है, इसमें टू नहीं है, किसी में कॉमन नहीं हुआ। थ्री है, थ्री है, थ्री है, ठीक है। थ्री कितना कितना है, एक 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 ही है, ठीक है। यहाँ पे फाइव नहीं है, यहाँ पे सेवन है, यहाँ पे फाइव नहीं है, मतलब कि यहाँ पे अब कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ थ्री, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, हमारा सिर्फ थ्री हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ हम कॉमन लेके करते हैं, ठीक है, एचसीएफ हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, ठीक है, थ्री हो गया। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, थ्री। तो एलसीएम हमारा 420, एचसीएफ हमारा 3 निकल गया। ये कौन सा मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड का यूज करके हम उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में निकाल लेंगे, उसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर वन, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अब इसे मिटा देता हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, इसे मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। अब क्वेश्चन नंबर थ्री का क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे। क्वेश्चन नंबर टू में क्या क्या नंबर दिया हुआ है, 17, 23 और 29। क्या दिया हुआ है, 17, 23 और 29, ठीक है, यही है ना, 17, 23 और 29, ठीक है। अब इन तीनों नंबर्स का मैं यहां लिख देता हूं, फिर से शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, 17, 23 और 29, ये तीन नंबर का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हेल्प से एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले 17 करेंगे। अब आप लोग को अच्छी तरह से पता है 17 क्या है, 17 एक प्राइम नंबर है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 17 से ही जाएगा। तो ये क्या लिख देंगे, डायरेक्ट 17, ठीक है, डायरेक्ट 17 लिख सकते हैं, या 17 × 1 आएगा, 1 लिखना जरूरी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आता है 23, 23 क्या है, 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो क्या होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट 23, ठीक है। Into one लिख सकते हैं लेकिन नहीं लिखना, ठीक है, जरूरी नहीं है, इंटू वन तो वही बात बराबर ही है। फिर आता है 29, 29 भी किसी से जाता है, नहीं, 29 भी एक क्या है, प्राइम नंबर, ठीक है। तो देखिए कितना ये है, 29, 23 और 17, तीनों हमारा सेम आ रहा है, ठीक है। तो एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना आसान हो गया, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। तो देखिए इसका एलसीएम क्या हो, 17 सबसे सिंगल 17 है, इसका कोई हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो 17 का पावर 1 17 इनटू 23 सिंगल है 23, 29 सिंगल है 29। अब इन तीनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा एलसीएम, ठीक है। इन तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा देखते हैं, 17, 23, 3 7 21, 3 1 3 और 5, 2 7 14, 14, 2 1 2 और 3
1931। इसके बाद आप 29 से इंटू करते हैं 29। तो 91 जा 9, 99 जा 81 का 1, 93 जा 27 प्लस 8 कितना होगा 35। ठीक है भाई साहब, मिस्टेक होने से कैलकुलेशन उसके लिए सीरियस मत होना, खुद भी कैलकुलेट करके देंगे। ठीक है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। 91 जा 9, 92 जा 99 जा 81 का 1, 8 रह गया हमारा कैरी, 93 जा 27 और 8 कितना हो जाएगा 35। ठीक है, 21 जा 2, 29 जा 18 का 8, 23 जा 6 और 1 7। ठीक है, तो आ गया हमारा एलसीएम 9, 3, 13, 11, 11,339। क्या ये सही है, देख लेते हैं 11,339। ठीक है, एलसीएम यही होगा हमारा। एचसीएफ देखिए, एचसीएफ हम क्या होता है, कॉमन नंबर्स मिला के हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ पे तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, 1, 1, 1। तो भाई एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, 1। ठीक है, एचसीएफ क्या होगा, अब ये नहीं सोच रहा है कि एचसीएफ 0 होगा। ठीक है, देख लो हमारा आंसर निकाल के, हमारा एचसीएफ 1 हो। ठीक है, एचसीएफ 0 नहीं होगा। अब बहुत यहां पहले सोच रहे होंगे कि शायद एचसीएफ इस क्वेश्चन का 0 आएगा क्या, क्योंकि यहां तो कोई कॉमन आ ही नहीं रहा। तो ऐसा नहीं है, हमारा इंटू वन इंटू वन इंटू वन नहीं लिख रहे, लेकिन याद रखना है कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट 1 है, एचसीएफ 0 नहीं हो सकता। ठीक है, एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भी हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ निकाल लिया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। तो अच्छा लगा ना, समझ तो आ रहा है, उम्मीद करता हूं सबको ये समझ आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट है ना। हाँ, इसके बाद ये क्वेश्चन हमारा 3 का 3 लास्ट होगा, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो इसे बिता देता हूं, स्क्रीनशॉट लेना है। 8, 9, 9, 25 हमारा थर्ड का 3 नंबर क्वेश्चन, 8, 9 एंड 25। सही है, 8, 9 एंड 25। ठीक है, अब देखिए इन नंबर्स का हम प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड का यूज करके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। बहुत इजी है क्योंकि छोटा छोटा नंबर है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे भी लिख देते हैं, हो सकता है यहाँ शायद ना दिखाई दे रहा हो, तो मैं देखिए ये तीनों नंबर है, इन तीनों नंबर का हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमारा प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। ठीक है, जो कि खुद से डिवाइड हो या सिर्फ एक से डिवाइड हो, उनका कोई और नंबर से, वो कोई और नंबर से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, तो 8 का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके हमें निकालना होगा इनका प्रोडक्ट होता है प्राइम फैक्टर्स। 2 से जाएगा 4 टाइम में, 2 से जाएगा 2 टाइम्स में, 2 जाएगा 1 टाइम में। ठीक है, तो क्या आ गया, 2 क्यूब। इसके बाद हमारा 9 आ जाता है, 9 क्या होगा, 9 हमारा 3 × 3 होगा, 3 स्क्वायर। ठीक है, 9 जो है, 9 जो है ओनली ऑन 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 9 क्या है, 9 एक ओड नंबर है। तो ये 9 जो है ये एक, इसी में कॉल आ जाता है, 9 जो है ये एक ओड नंबर है, तो इवन नंबर से डिवाइड हो गए। 9 जो है वो 3 से डिवाइड होगा, 3 से 3 टाइम्स में। ठीक है, तो 3 क्या है, 3 क्या है, प्राइम नंबर है, 3 से डिवाइड होगा 1, 3 × 3, 3 स्क्वायर। ठीक है, ये इंटू वन है, लेकिन हम नहीं भी लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है 25, 25 सिर्फ और सिर्फ जाएगा 5 और 5 से। ठीक है, देख लो करके देख लो लगने से, 25 जो है ये किसी से नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जाएगा तो 5 से, 5 5 से 5 1, 5 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, ये हुआ, क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर इंटू 1। ठीक है, तो देखिए इसका अब एलसीएम निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एचसीएफ बहुत ही इजी तरीके से निकल जाएगा। एलसीएम, एलसीएम क्या है, सबसे हाई पावर वाला नंबर लिख लेते हैं, इसमें 2, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, वो भी सबसे ज्यादा पावर क्या है, 2 क्यूब, तो 2 क्यूब लिखेंगे। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 3 स्क्वायर सबसे ज्यादा पावर वाला है, 3 स्क्वायर लिखेंगे। 5 किसमें है, 5 इसमें है, 5 स्क्वायर ये हाई पावर वाला है, ये लिखेंगे। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 9 जा कितना ही नहीं, 250 में से 25 माइनस कर दो, 225 8 कर दो, कितना हो जाए,
225 इंटू 8 5 जा 40 होता है ना, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 प्लस 4 20, 8 2 जा 16 प्लस 2 18, 1800 हमारा क्या आ गया LCM। और HCF हमारा क्या होगा, HCF तो सबको पता है इसमें कोई कॉमन नहीं हो रहा है, सिर्फ 111 कॉमन है, HCF क्या होगा 1। ठीक है, समझ आया सबको। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया, देख लो आंसर सही आया ना, 1800 और HCF हमारा 1। ठीक है, तो ये हमारा LCM और HCF हम लोगों ने इन नंबर का निकाल लिया। क्या मेथड यूज करके, याद रखिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हम ये ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।